अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घर में बैठ के चिल मार रहे होंगे। लेकिन अभी जो जिंदगी तबाह हो रही है ना, वो यूट्यूबर की होने वाली, क्योंकि मुझे बयान करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले इन लोगों ने पबजी बैन कर दी, उसके बाद अभी ये यूट्यूब बैन करने पर आ रहे हैं। मतलब क्या ये अब यही चाहते हैं कि हम भाई पाकिस्तान छोड़ दें, है ना? ये मतलब किसी भी बात में पाकिस्तान आवाम को आगे बढ़ने में नहीं देख सकती। ये हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि हमें किसी भी चीज में आगे बढ़ने में मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती। यूट्यूब बैन करने की मेन वजह क्या, ये मैं आगे चल के आपको बता दूं। लेकिन उसके जो मतलब ऐसे जो नुकसान आते हैं ना, मतलब यूट्यूब बैन करने से क्या क्या होने वाला है, वो भी मैं आपको चल के अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले यार मुझे ये तो बताओ, मतलब ये जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, ये चाहती क्या है? मतलब यार क्या कि अभी झूठ बोल के भाई खुदकुशी और ये पबजी की वजह से सबसे पहले इन लोगों ने पबजी बैन कर दी, उसके बाद अभी क्या करें कि अभी यूट्यूब बैन। अभी यूट्यूब पे क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है यार। लोगों के घर चल रहे हैं यूट्यूब की वजह से। आप लोगों को तो मालूम होगा कितने सारे ऐसे कॉन्टेंट क्रिएटर हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की मतलब निस्बत पैसे कमा रहे हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो भी पैसा कमा रहे हैं वो सारा कुछ अपने पाकिस्तान में आ रहा है। अगर मिसाल की बात है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, ठीक है, अभी अगर मैंने कुछ महंगी गाड़ी या महंगा कैमरा वगैरह ऐसे कोई ले लिया, तो वो मैंने पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया? अपने पाकिस्तान में। अब जिससे मैंने लिया वो भी हमारा लाजमी से पाकिस्तानी होगा ना, तो ये पैसा कहाँ घूम रहा है, ये सर्कुलेट कहाँ हो रहा है? हमारे अपने पाकिस्तान में। लेकिन ये जाहिल लोग, ये जो हमारे जाहिल गवर्नमेंट है ना, ये मतलब नहीं समझ रही ये बात। अच्छा, बैन करने की जो मेन वजह है ना, अभी यहाँ पर एक तो फिरका परस्ती चल रही है, ठीक है, यूट्यूब पे। मतलब ये जो आप ज्यादा खुद होशियार हो, मुझे बयान करने की जरूरत नहीं। उसके बाद एक और चीज़ की ये जो जज है, आई थिंक मुझे नाम इनका याद नहीं, अगर नाम याद आया तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, नहीं तो उसकी तस्वीर लगा दूँ मैं, उनको मतलब टारगेट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि माना हम आपके टुकड़ों पे पल रहे हैं, मेरा मतलब हम जो आपकी टैक्सेस वगैरह हैं उनके ऊपर हम पल रहे हैं, हमारे पेट पल रहा है। आप लोगों का हमारे ऊपर सवाल उठाना सही है, लेकिन हमारी बेइज्जती करना हरगिज सही नहीं। ये तो भाई बिल्कुल सही हो गया। मतलब बेइज्जती जो वो लोग कर रहे हैं, मतलब ये तो गलत बात हो गई ना। हाँ, माना कि किसी हद तक अभी अगर करें भी तो सही, तो वो अभी सही होगा, क्योंकि भाई देखो यूट्यूब किस वजह से मतलब बैन कर रहे हो। पबजी बैन करके इन लोगों को सुकून नहीं मिला, अब ये क्या करें कि भाई यूट्यूब बैन कर रहे हैं, इनको पॉजिटिव चीजें ही नजर आ रही है, नेगेटिविटी इनको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। अगर ये बोल रहे हैं कि भाई हमने नेगेटिविटी जो है यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फैल रही है, तो इस वजह से हमने यूट्यूब अभी बैन कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो भाई पॉजिटिव चीजें भी तो होंगी ना लाजमी। अब जो नेगेटिव चीजें आप उनको मेल करो या कोई ऐसी चीज कर दो, भाई आप लोग गलत कर रहे हो, या वो वीडियो हटवा दो, या कोई ऐसा चीज बंदा कर दे। लेकिन आपने सिर्फ एक दो वीडियोस की वजह से आपने हजारों लाखों लोगों के ऐसे समझो घर आप बर्बाद करने जा रहे हो। चलो यार, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पर। अब मैं आपको YouTube के फायदे बताता हूँ, पाकिस्तान में कितने फायदे हैं। चलो यार, पहला पॉइंट उठाते हैं। अब ये कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं मतलब जो YouTube पे हमें सीखने को देखने को मिलती है। मतलब अगर हमें कोई भी चीज समझ में नहीं आती, कोई भी चीज अगर हमारी खराब हो जाती है, एक्स्ट्रा सेट कुछ भी हो जाए, तो हमें वो YouTube पे सिंपली हम सर्च करते हैं, आसानी से हमारे पैसे भी उस चीज के मतलब मिस्त्री वगैरह के पास अगर वो ले जानी पड़ती, तो हम घर में बैठ के वो इजीली बना सकते हैं। मतलब कि वो चीज मिस्त्री के पास ले जाने की कोई भी हमें जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद ये चीज ठीक है अपनी जगह पे। अब यार देखो, कोई बंदा है कोई अच्छी जगह से, कोई अच्छे सेंटर से कोर्स करना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी फीस अफोर्ड कर पाए, तो क्या करता है वो यूट्यूब पे सिंपली माशाल्लाह से कुछ ऐसे चैनल से जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, मतलब ऐसे ऐसे कोर्स वगैरह होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप जो क्लासेस होती है ना, मतलब वो ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, बजाय वहां पर फीस भरने के यूट्यूब पे सिंपली आते हैं, वही अच्छा खासा कोर्स, लाजमी वो भी क्वालिफाइड टीचर्स होंगे जो हमें सामने ट्यूटोरियल वगैरह बना के अपलोड कर रहे हैं, लाजमी वो भी तो क्वालिफाइड होंगे। तो वैसा ही मतलब हमें कोर्स यूट्यूब पे देखने को मिला, मतलब बजाय वहां पर पैसा जाया करने से हम कुछ रुपए का मतलब पैकेज वगैरह करवा के सिंपली ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। चलो ये चीजें हो गई अपनी जगह पर। उसके बाद क्या भाई, अभी देखो हमारी उम्र के लड़के हो गए, कोई बड़ी उम्र मतलब जिसकी उम्र निकल आई है, उसके पास टाइम मतलब इतना नहीं होता, अपने काम में बिजी होता है, अगर हाँ मिलता भी है तो वहीं पर ही बैठा होता है, तो क्या करता है सिंपली कुरान पाक, मतलब देखो कोई बंदा अगर मस्जिद नहीं जा पाता तो ऑनलाइन माशाल्लाह से इतने ऐसे चैनल्स हैं हमारे यूट्यूब पर, हमारे कुछ ऐसे मतलब हमारे कुछ ऐसे कारी साहब होते हैं मतलब ऑनलाइन कुरान पाक हमें सिखाते हैं, तो वो भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, यूट्यूब पे। माना कि कुछ एप्लीकेशंस वगैरह हैं, लेकिन जो वहाँ पर वीडियोस वगैरह बना के अच्छी चीज़ें जो अपलोड करते हैं, यार देखो उनका तो दोष नहीं है ना। माना कि यार गलत चीज़ें अपलोड हो रही हैं, तो आप उनको टारगेट करो ना। देखो जो सही चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, तो आप उनको क्यों टारगेट बना रहे हो? खामखा देखो कितने लाखों घर जो है ना इसकी वजह से खराब हो जाएंगे। सर मतलब मैं तो कुछ नहीं कहने वाला, अभी देखो आप खुद अंदाजा लगाओ, अगर यूट्यूब बंद हुआ ना, तो यकीन करो कि सारे यूट्यूबर्स रोड पे आ जाएंगे, उसके बाद धरना होगा, जीना होगा, मरना होगा, लेकिन धरना होगा। तो यार सबसे पहले अभी देखो मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अभी अपने तरफ से कुछ जो अल्फाज वगैरह हैं वो बयान करना चाहूंगा, ठीक है? क्या चाहते हो तुम लोग, मतलब क्या हम पाकिस्तान छोड़ दें? मतलब सबसे पहले तुम लोगों ने 2012 में सबसे पहले जो है ना, आप लोगों ने जो यूट्यूब बैन किया था पाकिस्तान में, उस टाइम इतना यूट्यूब नहीं था, लेकिन अभी हर बच्चा बच्चा यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा है। आप लोग मतलब जाहिली कहूंगा और तो कुछ नहीं कहूंगा यार। देखो अगर आगे बढ़ रही है तो वो भी तो पाकिस्तान आगे मतलब बढ़ रहा है ना, आपकी पाकिस्तान की आवाम ही आगे तरक्की कर रही है ना। अगर पैसे बाहर से आ रहे हैं तो वो भी पाकिस्तान में सर्कुलेट हो रही है। इन मदरबोर्ड के बच्चों को मैं क्या कहूँ, इनकी माँ की चूँ या इनके बहन के खून को।
तो यार एंड में, मतलब एंड में मैं यही कहूंगा यार, समो भाई, डकी भाई, जो भी हमारे पाकिस्तान के से रोस्टर है ना, एक बार प्लीज इस गवर्नमेंट को यार करो, रोस्ट करो इनको, इनको पता चले कितने, मतलब पर यार रोस्ट करोगे तो हमारा ही नुकसान है ना, वो ज्यादा तप जाएगी, फिर तो पक्का यूट्यूब बैन हो जाएगा। तो ये है कि शांति से यार हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं, प्लीज यार यूट्यूब का अनबैन कर दो, बैन तो तुम लोग करने से रहे, अगर बैन हुआ तो सारे लोग रोड पे आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज चैनल है वो भी फिलहाल यूट्यूब पे मतलब काम कर रहे हैं, आधे से ज्यादा तो वो यूट्यूब से कमा रहे हैं। अगर यूट्यूब आप लोगों ने बैन किया तो न्यूज चैनल भी आपकी तरफ एक्शन उठाएगी, ये बात मैं आपको साफ ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। सारे यूट्यूबर्स जो भी कंटेंट क्रिएटर हैं वो रोड पे आते देर नहीं करेंगे, उनको एक और कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। रोड पे आके वो ब्लॉगिंग करेंगे, अच्छा खासा कंटेंट उनको मिल जाएगा, अच्छे खासे व्यूज़ मिल जाएंगे, रोड पे आते वो देर नहीं करेंगे, टायर जलाएंगे, बहुत कुछ धरना वगैरह करेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्लीज़ यूट्यूब को बैन मत करो। क्या मतलब, क्या चुल मची हो तुम लोगों को, कीड़ा है अंदर से कुछ मतलब तंग कर रहा है तुम लोगों को, हाँ तुम लोगों को आराम नहीं आ रहा। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, हाँ अगर यूट्यूब रहा तो अगली वीडियो में मिलेंगे, नहीं तो भाई शायद, क्या पता अल्लाह ना करे ये वीडियो अपलोड करने से पहले यूट्यूब राम ना हो सके, तो अल्लाह ना करे बाबा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्लीज 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 ख्याल रखना, और चलते चलते इस वीडियो को लाइक कर दो, इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दो, इन फ्यूचर अगर यूट्यूब रहा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।